ये मतलब जनरल पॉइंट थी कि जैसे कहा कि अस्तित्व में चारों अवस्थाएं नित्य वर्तमान है ना, मतलब हमेशा थे हमेशा रहेंगे, है ना, ये बात आती है। एक कहा अब तो हमेशा रहेगी हमेशा नहीं रहेगी, उस पर जो है ना चर्चाएं होती है चर्चा के रूप में। हाँ। जो इस धरती पर क्या चंद्रमा पर क्यों नहीं। हाँ। ये बात आती है। चंद्रमा पर अभी जो जितने प्रकार के परमाणु है जितने प्रजाति की बनना है वो शेष है, इसीलिए इंतजार कर रहा है, क्रम में है। ठीक है, ठीक हो गए। मतलब इसमें फिर मेरे मन में ऐसे कल्पना आया, इसका मतलब कि ज्ञान अवस्था में भ्रमित और निर्भ्रमित निर्भ्रमित दोनों भी नित्य वर्तमान है। भ्रमित जो है ना बात है। हाँ। भ्रम का मतलब मैं बताए है, विकास क्रम में भ्रम। हाँ हाँ, जैसा मानव संतान होता है। हाँ ठीक है ना। हाँ। और मानव संतान शुरुआत में जो है भ्रमित रहता है, निर्भ्रमता के लिए शिक्षा अवेलेबल रहता है मानव परंपरा, मानव चेतना विधि से। ठीक है, जीव चेतना विधि से जीने जीने की क्रम में भ्रमित रहते ही है। अच्छा, और भ्रमित करने के लिए हम शिक्षा। ठीक है, मतलब ये आपने कहा था ना, लकड़बगा दिमाग की तर्क हो गई कि ये कहना कि मतलब इसे निकलता है कि भ्रमित मतलब अस्तित्व में शायद इस धरती पर जागृत परंपरा अगर स्थापित हो गई है ना, तो भी अस्तित्व में कहीं ना कहीं भ्रमित मानव भी रहेगा जागृत मानव भी रहेगा। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ। परंपरा भ्रमित मानव जागृत मानव की होती है। हाँ, हाँ। मानव संतान की संतान जो आती है। हाँ। वो जागृति के लिए, जागृति के लिए ठीक परंपरा में अवेलेबल रहता है, इसीलिए तो हो जाता है परंपरा जागृत परंपरा हो जाता है। ठीक 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 है। जीव चेतना विधि से भ्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए एकाध काम करते हैं। भ्रम को पक्का बनाने के लिए काम करते हैं शिक्षा। सही बात है, ठीक है ना। उसका प्रमाण क्या है? लाभ उन्माद, भोग उन्माद, काम उन्माद, थीसिस रखा हुआ। अपने आप में सब प्रोड्यूस हो चुकी है, प्रमाणित हो चुकी है। आप बताए, इसको नकारा जा सकता है? नहीं। पूरा संसार जो है ना इसमें फंस गया है कि नहीं? ये सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था दी है। ठीक है ना। और जबकि ये जो आदर्शवाद था, भ्रम को सुदृढ़ बनाने की काम नहीं किया, नहीं किया, जागृति को प्रमाणित नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, इस ढंग से अल्यूजन हो गए और सुंदर अनस्पष्ट नहीं हुए, दुविधाएं बना रहे, है ना। और मानव में जो है ना ज्ञानवश, जीव चेतनावश भय और प्रलोभन से पीड़ित रहा है, प्रलोभन से लग गए जुगाड़। अभी जितने भी आज के ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी तीनों प्रलोभन में फंसे, वो है सुविधा संग्रह मुद्दा। ठीक है ना। बस ठीक है, उसका सहाय क्या ही तीनों थीसिस से भी। इसके चलते इसका व्यवस्था मानव का व्यवस्था हो नहीं सकते। रो ही रहे हैं, हर दिन रोलाई आती है पेपरों में।
खुश रहो खुश रहो जय 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 खूब खुश रहो खूब खुश रहो नमस्कार इतने ऊंचे हो जाए नमस्कार नमस्कार जय ये बात आगे मानव में अगर देखें है ना जैसे कि वो शिफ्ट हुआ कि नहीं माने मानव जो है ना भ्रमित मानव भी रहेगा जागृत मानव वो शिफ्ट हुआ बाबा उसको स्पष्ट करो वो ही स्पष्ट होना था मानव संतान भ्रमित रहता है जागृति के लिए प्यासा रहता है ठीक है ना वो पूरा होने वाला परंपरा होता है जागृत परंपरा तो जीव चेतना विधि से जब तक जियेंगे भ्रमित परंपरा रहेंगे उसमें क्या होता है पहले से जागृति के लिए आता है हर मानव संतान भ्रम को पक्का बनाने के लिए काम करता है परंपरा सही अच्छा उसके बाद जो है ना आदर्शवादी परंपरा क्या क्या पूछा आदर्शवादी परंपरा जो भ्रम को स्वीकारा नहीं पक्का बनाने की काम नहीं किया किंतु जागृति को प्रमाणित नहीं कर पाया इसमें चूक गए इतना ही बात ठीक है ये पूरा हो गया ये पूरा हो गया अभी जो अपन प्रोड्यूस किए हैं जो तीन भ्रमात्मक जो है ना थीसिस है उसके विकल्प प्रस्तुत किया तीन भ्रमात्मक विचार शैली है उसके उसका विकल्प प्रस्तुत किया और जो है ना दर्शनों का विकल्प प्रस्तुत किया रहस्यात्मक दर्शनों का ठीक है हाँ बाबा ये एक पॉइंट था मतलब ये एक्चुअली मुझे लगता है कि ये जो स्पष्टीकरण चाहता हूँ थोड़ा टेढ़ा है ना तो इसको थोड़ा सीधा कर दीजिए इसको ये कर देंगे मतलब ऐसे मन में क्यूरियोसिटी आई कि जीवन क्रियाओं में है ना जैसे कि मानव है ना तो मानव का जो स्वभाव है ये समझ में आना तो साक्षात्कार और बोध की बात हो गई जैसे कि दीनता हीनता क्रूरता है ना ये इच्छा विचार आशा की सम्मिलित रूप में दीनता हीनता क्रूरता है ना मतलब बाहर जैसे चयन आस्वादन होता है वो दीनता हीनता क्रूरता के मतलब जो विचार है वो दीन हीन और क्रूर होता है उससे प्रवृत्ति दया कृपा करुणा जो है ये भी विचार और उसके अनुरूप जो चयन आस्वादन होता है ये दया कृपा करुणा या धीरता वीरता उदारता है इस रूप में नहीं ना जीव चेतना विधि से दया कृपा करुणा का लेन देन नहीं नहीं वो ठीक है मानव चेतना विधि से जो विचार बनेंगे और मतलब जो संबंधों का पहचान और निर्वाह जो बनेगा वो तो क्रिया रूप में देखे तो वृत्ति और मन में होने वाली क्रिया है मतलब ये दया वृत्ति और मन में होने वाली क्रिया के फलस्वरूप दया कृपा करुणा और धीरता वीरता उदारता मानव चेतना विधि मानव चेतना विधि से हाँ ठीक 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 वो तो मानव चेतना विधि से उसको छोड़ करके जाओगे तो कई मतलब नहीं 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 ठीक ठीक है धीनता हीनता क्रूरता जीव चेतना और ये सब मानव चेतना ये ठीक है धीरता वीरता उदारता ये मानव चेतना हीनता दीनता क्रूरता ये जीव चेतना मतलब ये मन और वृत्ति की सम्मिलित क्रिया है अभी जीव चेतना में 4.5 क्रिया में पूरा होता है ठीक है बाबा हाँ हाँ ठीक है मानव चेतना में 10 क्रिया से पूरा दसों क्रिया से अनुभव मूलक विधि से मन और वृत्ति की सम्मिलित क्रिया से दया कृपा करुणा बनता है वो तो बनता है वो इससे उससे अनुभव मूलक विधि अनुभव मूलक विधि से ठीक है और अनुभव मूलक विधि से मानव चेतना क्रम में व्यवस्था में जीना होता है तब दया कृपा करना प्रभावशील होता है सार्वभौम व्यवस्था में अखंड समाज में जी पाते हैं तब ये इसकी प्रयोजन सिद्ध होता है ये चार विषय की अगर बात देखें है ना तो जैसे आहार हो गया है ना निद्रा भय और मैथुन तो जीव चेतना में है ना तो आहार को अगर देखे तो मतलब
प्रिय आकार साकार और मांसाहार दोनों हुआ, दोनों हुआ। प्रेत प्रेत के आधार पर काम हो गए, प्रेत के आधार पर काम हुआ। और मतलब जैसे भोग अति भोग मतलब खाने से भोगना यह हाल हो गया। निद्रा मतलब मतलब नींद में लंबे समय तक सुख पाने की प्रवृत्ति। नींद ना एक शारीरिक क्रिया है, शरीर क्रिया तो होता रहता। हाँ हाँ, तो उसको विषय के रूप में कैसे समझे निद्रा को? माने निद्रा एक प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है मगर मानव शरीर से संबंधित शरीर से संबंधित प्रवृत्ति है। हाँ। शरीर के संबंधित प्रवृत्तियां जो है ये शरीर पोषण संरक्षण के रूप में आ जाता है मानव चेतना में। मानव चेतना में जीवन मार्ग शरीर पोषण संरक्षण करने योग्य होता है। इसके पहले कैसा जीव चेतना में क्या था, शरीर के अनुसार शरीर संवेदनाओं के प्रवृत्ति के अनुसार जीने वाला हो गए। जो जीव चेतना वो ही है, शरीर के अनुसार जीता और भय हो वंश के वंश के अनुसार। इसीलिए आहार निद्रा भय मैथुन प्रवृत्ति होती है। मतलब कहने के रूप में अभी मैं जब सोता हूँ तो ये शरीर के मतलब उसी में चले गया। अच्छा, जहाँ तक की जो इसके बात है मैथुन प्रवृत्ति है इसके लिए दो भाग के लिए आता है। हाँ। मानव चेतना विधि से। हाँ। हाँ। मानव चेतना विधि से दो विधि से आता है। जो जो वो ये आता है संतान के लिए मानव परंपरा को बनाए रखने के लिए एक आता है। उसके बाद जो यौवन पीड़ा को निवृत्ति करने के लिए होता है। दो प्रयोजन निकलते हैं। हाँ। और यौवन पीड़ा का आपने बताया था कि ये शरीर में प्रोटीन बढ़ने से होता है। हाँ, प्रोटीन जो है अनावश्यकता से अधिक होने से होता है यौवन पीड़ा। और मानव परंपरा में ये स्वधन स्वनारी स्वपुरुष के विधि से ये नियंत्रित हो जाता है। वैसे संवेदनाओं को नियंत्रित होने की प्रक्रिया में बताए संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित होते हैं। संज्ञानीयता मानव चेतना है। आहार निद्रा और मैथुन को अगर देखें ये सब मन की आस्वादन और चयन क्रिया है, उतने के लिए है, उतने के लिए ही है। ऐसे भय को अगर देखें तो मान परस्परता की है, परस्परता की है, परस्परता में मतलब जैसे मान भय हो गया है ना, तो ये सब परस्परता में ही परस्परता में है। प्राण भय भी तीनों प्रकार के भय बताया। हाँ, तीनों भय जो है परस्परता में स्पष्ट। प्राण भय बाबा मरने का भय क्योंकि शरीर को जीवन माने हैं तो जीवन मानता है तो फिर बाद में हो गए भय हो गए होता है। कल रात को ही डर गया था मैं यहाँ। अच्छा, जाते वक्त मतलब कुछ कुत्ता या कुछ नीचे से भौंका, मैं और कुछ विचार में था है ना, तो अचानक से वो भय सा हो गया। वही मुझे लगता है ब्रेक लेंगे बाबा।